एवरी वन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली और हम सब की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और पीछे मिरर में दिखा देती हूँ, मैंने ये वाला लहंगा पहना है आज दिवाली पे। अभी चलते हैं नीचे, सब लोग रेडी हो गए हैं, बस मेरा वेट हो रहा है। नीचे चलते हैं और नीचे चल के करते हैं पूजा और फिर मिलती हूँ आप लोगों से और दिखाती हूँ पूरे घर की डेकोरेशन जो मैंने करी है इस बारी। तो जब तक मैं नीचे आई, मम्मी जी ने पूरा डेकोरेशन वगैरह कर ली थी रंगोली के साइड में ही। हमारे यहाँ मेरे मायके में तो ऐसा होता था कि मंदिर में ही जो मूर्तियाँ रखी हैं उन्हीं की पूजा कर लिया करते थे, बट मम्मी जी हर साल नई मूर्ति खरीद के लाती हैं तो फिर उनकी पूजा हम नीचे रख के करते हैं। देख तू आ नहीं रहा वीडियो में, इसलिए कह रही दादी को चले जा। नहीं ठीक, बेटा बेटा ध्यान से, दादी गोदी में आ जा, तू गोदी में आ जा। ये तो पता ही है, जब कभी पूजा में बैठते हैं तो सर ढक के बैठना चाहिए हमेशा। और मैंने जो है ये अपना फ़ोन का स्टैंड लगा के फ़ोन इस तरीके से रख दिया था कि हम सब दिख जाएं वीडियो में। अभी जैसा भी बना मैंने उस हिसाब से बना दिया, क्योंकि हम फ़ोन लेके नहीं बैठ सकते पूजा में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फ़ोन में हमने आरती चला रखी थी, इसलिए भी मैंने यहाँ पर आवाज़ म्यूट कर रखी है, क्योंकि आरती भी मैं व्लॉग में नहीं सुना सकती, जो स्पीकर वाली आरती चलती है। तो सबसे पहले जोत जला दी जाती है, उसके बाद तिलक कर लिया जाता है सबको आपस में, और उसके बाद जो भी है खाना रखा हुआ है, जो मतलब हम जैसे मम्मी जी मतलब मेरे ससुराल में यहाँ पे हम लोग मीठे का भोग लगाते हैं, तो उसमें हम मिठाई भी रखते हैं, प्लस में हम लोग हलवा भी बनाकर रखते हैं, हलवे या खीर का भोग लगता है। मेरे मायके में तो कढ़ाई नहीं चढ़ती होली दिवाली पे, वहाँ पे तो जैसे चावल बना लिए, राजमा चावल बना लिए, छोले चावल बना लिए, वहाँ पे जो है मेन चावलों का वो लगता है। बट यहाँ पे हलवा पूरी ज़रूर ज़रूर बनना चाहिए उस दिन घर में, और बहुत अच्छा रहा आज का हमारा पूजा वगैरह सब सब। तो ये है हमारा आज का मंदिर, ऐसे सजा हुआ है और ये भी ऐसे सजे हुए हैं। हाँ, और ये है अयान, हटो बेटा। हाँ, ये अयान की स्मार्ट वॉच है, और ये बनाई है मैंने रंगोली। अभी इसमें रखेंगे दिए, और आधे दिए ये जलाएंगे, आधे मैं जलाऊंगी। पूजा हमारी हो गई है, आपका पैर आराम है जी रंगोली पे। पूजा हमारी हो गई है, अब हम दिए जला के बाहर रख देते हैं। दिए सारे जला के रख देते हैं बाहर, और उसके बाद जलाते हैं थोड़े से पटाखे और फिर खाएंगे खाना, थोड़ा सा कर लेते हैं एंजॉय। अब जला लेते हैं अपने सारे दिए, आधे अमन ने जला दिए थे, आधे मैंने जला दिए थे। हम लोग एक्चुअल में ना अब दिए थोड़े से कम खरीद के लाते हैं, कैंडल ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि दिए हम सिर्फ मेन मेन जगहों पे रखते हैं, बाकी जगह कैंडल लगा देते हैं। और इस बार तो लाइट्स लगी हुई थी सामने, हमने पूरे घर पर लड़ी लगाई हुई थी, इस चक्कर में हमने दिए ज़्यादा बालकनी में रखे भी नहीं। ये वाला कॉर्नर जो है मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, ये मैं आज नया खरीद के लाई हूँ। और ये है हमारे सारे पुराने लैंप्स जो हमने यहाँ पे रख दिए आज, और ये है हमारी फ्लोटिंग कैंडल। आया अब हम सारी कैंडल जला लें, नहीं ऐसे इसमें फ्लोट करती रहेगी ना, मेरी थोड़ी फ्लोटिंग कैंडल है। आयान जलाएगा फोर फ्लोटिंग कैंडल था, है ना यान? ले आयान, आयान फ्लोटिंग कैंडल को डुबाने की कोशिश कर रहा है। नहीं है बेटा, फिर हटो 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 हट जाओ। फिर क्या होगा? हट जाओ। मामा आगे से बेटा, देख तूने उसमें पानी भर दिया आयान, इसलिए तो तू मेरे से पिटने के काम, देख दोनों में पानी भर दिया, मुंगले छदम हो रहा है बेवकूफ। आयान कैसा लग रहा है? यहाँ पर मार पिटाई की बात हो रही है दिवाली वाले दिन आयन के साथ। आयन कैसा लग रहा है मार पिटाई की बात सुन के? पापा को खराब मार था जो हमने कल जलाया था। इसकी ये हटानी पड़ेगी इधर से, उस वाले की छोटा
जो हम वहाँ से लाए थे ना, अरे वो रह गई ना आगरा वाली। कौन सी आगरा वाली? कौन सी आगरा वाली? अरे इसमें हाँ रखी है, अभी ला रहे हैं। हाँ बेटा वही वाली। इस नलायक ने पानी घुसा दिया ना इनमें, उसी की वजह से बुझ रही है वो बार बार। ये वाली कैंडल मैंने 3 साल से संभाल के रखी हुई है, लैंप वाली, अब की बार जलाई देते हैं। बन गई मुझे तो शीशा चटका देगी। वो जल गई, पक्का चटका देगी शीशा। ये नहीं, अरे जलाने की ही है तो चटक कर जान दो, वो है ही इसीलिए। चटक जान दो, वो है ही इसीलिए। एक बार जलाओ और चटका दो। हाँ रजोगी आयन ले, वो वाली जलाना दोबारा एक बार, फ्लोटिंग वाली। आयन लेके आ उसको, फ्लोटिंग वाली जलाना एक बार दोबारा। वो नहीं ढका जाएगा, अब ऐसी रहेगी ये। फ्लोटिंग वाली जला दो दोबारा। आयन लालटेन लेके आ इधर। तो ये वाला कॉर्नर कुछ ऐसी लुक दे रहा है जो हमारा मेन एंट्रेंस पे है, जिसमें हमने सारे लैंप्स लगाए हैं ये लाइट ऑफ करके, और उसके बाद का लुक है। और ये वाला जो लैंप है ये हम बंजारा मार्केट से लाए थे, बाकी हमारे सारे पहले के लैंप्स हैं जो आज यूज़ करे हमने। पूरा गेम खेला जा रहा है रिस्क का, मना करने के बाद भी हंसने की कोई बात नहीं है, मैंने मना किया था। तुलसी जी ने भी लाइट ऑन करने से पूरा कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाता है दियो का। यहाँ रखो, यहाँ तो रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। ऊपर नहीं उधर रख दो, थोड़ा आगे की तरफ करके रखना। माँ जी नमस्ते, और ठीक हो माँ जी? पूछ कह रही जाओ। तो ये है हमारे घर का लुक आज, और यहाँ से ना हमारी ना किसी ने वाइट कलर की हमने जितनी भी मालाएं लगाई थी ना वो सब उतार ली किसी ने रात को, कल पता नहीं कौन ले गया वाइट कलर की, चुन के उतार ली सारी। और ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये जो हम उस दिन लटकन खरीद के लाए थे ये हमने ऐसे लगाई हैं घर में, बिल्कुल मतलब मंदिर के ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पे लगाई हैं ये सारी, ये देख सकते हो आप। और मुझे सबसे अच्छा तो ये वाला लग रहा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेन एंट्री पे है, जैसे ये हमारे घर की मेन एंट्री है और यहाँ पर घुसते ही सबसे पहले ये है, और उधर फिर हमारा पूजा घर है। चले अम्मी जी अब चलते हैं नीचे, और नीचे चल के करते हैं पटाखे शुरू। और ये रंगोली आज मैंने उससे बनाई है, YouTube पे देख के बनाई है, बहुत अच्छी बनी है, फर्स्ट ट्राई था मेरा ये ऐसी रंगोली का।
ऐसा फेस्टिवल है जिसपे सबके इतने सुंदर सुंदर घर सजे होते हैं, इतना अच्छा लगता है इस फेस्टिवल पे। कितना अच्छा लग रहा है बाहर, कितना ब्यूटीफुल हो रखा है सब कुछ। और मैं अपना दिखाऊं तो ये हमारा घर है और ये कुछ इस तरीके से डेकोरेट हो रखा है। सब ने बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग्स करी हुई हैं, इधर भी देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आ गया है अपनी फूल झड़ियाँ लेके अयान। अयान हाँ बेटा, हाथ में लेके नहीं छुड़ाना कुछ भी, ठीक है? देखो हाँ, कोई चुरा के ले गया। और खाली वाइट इस वाले की भी, ये बंद करना अम्मी जी, इस वाले की भी चुरा ली। हाँ पापा पापा देव सामने देखो, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है। अच्छा स्कूटी है। अयान ये देखना बटरफ्लाई है, देखना कैसे फुर करेगा अभी। अरे रे रे रे, ये क्या है, ये क्या है? अरे नहीं बटरफ्लाई है, ऐसा ही होता है, चक्री जैसा ही। पकड़ लो अयान फुलझड़ी, फुलझड़ी ले लो। है ही नहीं। अरे वो एक ही पैकेट जला ली। किसने जलाई? जला हमें तो नहीं पता लगा। उसी में फोटो निकाल लेना। पीछे हो जाओ अम्मी जी, एक फट गया था उस दिन, उस दिन जो पहला जलाया था। अरे भाई कहाँ है तेरा गोडाउन, कहाँ से उठा उठा के ला रहा है, कहाँ से उठा उठा के ला रहा है? अयन का मामू दे के गया था है ना। ये क्या है, ये कौन सा डांस है? अयन मुझे हंसी आ रही है, हमारी माला चुरा के ले गया कोई। है क्या मामू कर सकता है, माला चुराने मामू 31 से यहाँ आएगा? बकवास कर रहा है, इतने पटाखे दे गया तुझे, वो माला चुरा के ले जाएगा तुम्हारी? वो बुझ गई ना, तेरा मजाक बहुत होता है, एक सेकंड में मजाक हो जाता है। कह रहा मुझे लग रहा है मामू ही कर सकता है ये काम तो। हाँ बदतमीज, अभी बताएगा तुझे वो, व्लॉग देख के बताएगा। रुक जा तू, क्या नहीं। हाँ अयान के फ्रेंड्स, ये रहा अनुज। अनुज देख इधर आ गया, इधर आ गया, देखो इधर से देखो, वो आ गया। क्लैपिंग करो। कहाँ से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, कहाँ रखा हुआ है गोडाउन में? कहाँ गोडाउन है आपका? ये आ गए अयान के फ्रेंड्स। अयान इधर लेके आओ, कायरा इधर आओ, इधर आओ, कायरा इधर आओ। हैप्पी दिवाली मेरा बेटा। यहाँ तो सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है, देखना देखना वो गया, वो गया। हम आए हैं अभी छत पे थोड़ी सी देर के लिए, ऊपर का देखने के लिए कि कैसा माहौल लग रहा है आस पड़ोस का। अब ये हो रही है छत पे आके कलाकारी। बस एक सेकंड में हो गया। 25 रुपए का एक है। मैं यही कह रही हूँ, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसपे सब जगमगाट करता रहता है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ आ रही हूँ।
किसी को कुछ करने देता है ये? देख ना खुल दिखा, आज खोल भी दे ये, आज दिखा खोल भी दे। वाह दिमाग तो इसमें पूरा भरपूर है, पढ़ाई को छोड़ के सही कह रहे हो और हर चीज में इसका दिमाग चलता है। हाँ भाई अब क्या प्लान है? अब प्लान है ढूसेंगे और सोएंगे, है ना? ठूसेंगे यान, क्या ठूसेंगे? आयान ने तो ढूस लिया। रायता, पनीर, हलवा, हाँ खाना दिखा देती हूँ मैं क्या बना है आज। अभी यहाँ पे बनेंगी पूरियाँ, सारी किचन आज फैली हुई है, अभी यहाँ पे बनेंगी पूरियाँ। और ये बन चुकी है मटर पनीर की सब्जी। हाँ बेटा हाँ कपड़े चेंज कर लो, नाइट सूट पहनेंगे, है ना? ये बन चुकी है मटर पनीर की सब्जी और इधर है हलवा और ये है रायता। तो आउच ये क्या हो गया, मेरी पेंट्री में मेरा लहंगा फंस गया। कौन सी वाली? आप कपड़े निकालते हुए वीडियो में आ रहे हो? दिख कैसे निकाल रहे? कुर्ते कुर्ते पजामे पहन के। पहले वो ही आते थे। हाँ तो कर लेते हैं अब कपड़े चेंज और उसके बाद बनाते हैं खाना और खाते हैं और फिर सो जाते हैं। हो गई दिवाली। क्या भाई क्या हो रहा है? डिनर चल रहा है, हैं? डिनर पार्टी चल रही है। मस्त लग रहा है डिनर यार। क्या बनाया है आज? मटर पनीर। मटर पनीर कैसी लगी? एक नंबर। और रायता कैसा लगा? पापा के लिए तो रायता स्पेशली बना है। मजा आया यार, हमसे फेस्टिवल्स पे पनीर बनाते हैं। ये रईसों वाले हम हर फेस्टिवल पे ये पनीर ही बना रहे होते हैं, हर व्लॉग में पनीर दिखता है। फेस्टिवल बनाते ना, उसके अलावा क्या? नॉनवेज कोई खाता नहीं। हाँ नॉनवेज कोई नहीं खाता, गर्ल्स को भी नहीं खाती नॉनवेज, गर्ल्स को। ये किसने कहा गर्ल्स नहीं खाती? अरे क्यों नहीं खाती, खा सकती है भाई। मेरे को तो नहीं खाना अच्छा ही नहीं लगता, घिन आती है इसलिए नहीं खाती। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, हम सब लोगों की तरफ से आप लोगों को क्या बोलना अम्मी जी? हैप्पी दिवाली, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ अच्छा आ जा बोल ले, आ जा। और सब लोग सेफ रहो, पॉल्यूशन थोड़ा कम करो, हमने बहुत कम पटाखे जलाए, हम नहीं जलाते पटाखे, जलाए ही नहीं है, अनार और फूलझड़ी जलाई है बस, और कुछ नहीं जलाया हमने। अयान करेगा इस वीडियो का एंड, हम सबकी तरफ से बोलो सबको। ये क्या तरीका भाई, जीन्स निकल रही है, अंडरवियर दिख रहा है और करो हैप्पी दिवाली सबको। ये कौन सा तरीका है? ये क्या है? चलो बाय बाय, टेक केयर। और इसके अंडरवियर को इग्नोर करना।